हजूर का भगवान का कभी कृपा होगा उसे पैर रखा
ऊपर कामा हुआ हो और उसके बाद करुण जी का यही कहना था कैसे तो पनीर सब्जी और दोस्ती को लेके भूले गए वह मुझे परम संदेह है। श्री रामचंद्र जी अब सुनने के अहंकार और उसके बाद
से जो है प्रभावित न करे किसके पद कर सकेले तो थोड़ा सा कठिन तो बा लेकिन कोनो दिक्कत जो भगवान के लीला बात लीला वाले लीला में श्री राम जी काशी की यात्रा
इतना नहीं है इसका तो सब पंडित जी जा रहे हैं पूरी उसी कर रहे हैं हर जगह जा करके ये सब जो है कि निकृष्ट कार्य है ये वेदों के द्वारा अनुमति और उपस्थित कहेंगे कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं मैंने तो कोई बात नहीं यहाँ पर समझना होगा जैसे से वेद मार्ग से विपरीत करके किसने शांति प्राप्त किया जानते हैं दंडी स्वामी होते हैं तो दंडी स्वामी के लिए तीन दंड प्रथम आवश्यक है प्राणायाम रूपी मन का दंड मौन रूपी बॉडी का दंड और निष्क्रियता माने शरीर इंद्रियों को बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में रखे उसको वही निष्क्रिय माने कि वो इंद्रियों को जीते हुए हो अगर यह तीनों दंड नहीं है तो बाप का दंड लेने से कोई मतलब और आज यह दंड रखने वाला कोई है नहीं देखो तो है ये बच्चा मैं पैसा नहीं छूता हूँ इधर डाल दो बड़े भी चित्र नहीं रहा ऐसे अगर देखे होगा तो प्रयाग में देखेंगे लोग सन्यासी सभी का सत्कार
चाहिए, स्थिति है कि सब करे, लेकिन अब यह है कि किसका करे। सब तो खड़ी खेत पकड़ के कपटी हो गए हैं, तो उनका सत्कार करेंगे तो उनका पाप आपके ऊपर चढ़ जाएगा, समझे। यही से भेद प्रताप से तो पूजा होता है, लेकिन अगर ही हम तो न हो ही निभाऊ और कहा ने जिमी राम राहू, समझा जाए स्थिति बहुत। मैंने जब कुछ मिला था और मैं मत अगर नहीं छूटा था तो उसका प्रयोग मत करो, नहीं तो वो बहाई तुम खा कर चल पड़ेगी प्लीज, क्योंकि रूठ ना पड़ जाए। और प्रभु इतना दान दिए कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता, दिन है दान कछु बरनी न जाई, अधन दसुरे से कुबेर ल जाई। जने इतना दान दिए जिसे देखकर इंद्र और कुबेर लज्जित हो गए, ठीक है। यही विधि प्रभु रही विपुल दिन, असुखी किए मुनि वृंद, आए पुनि निज नगर महा, हर्षित करुणा कंद। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी काशी में कई दिन रहकर मुनियों के समूहों को हर्षित और फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी अपने नगर में वापस आ। और देखिए ऐसे काशी का जो है विरोध करने वाला वह निकृष्ट कबीरा कुछ संत समझ रहे, ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप देश के विपरीत है तो आप कभी संत नहीं है। इसलिए देखिए सफा सफा बाड़ी जा रहा, मिर्च मिर्च बोल करके पूरा थब का नाश हो गया। संत की बाड़ी कोई कटे, इस पर वास्तव में विचारणीय बात है। ऐसे ही एक परमहंस नाम का दरिद्र रहा, उस राक्षस ने कह के सबको बरगड़ा दिया कि ममता जाती ही नहीं, क्योंकि तो आप संत का चोगा पहने हैं तो कच्ची बाड़ी देने का अधिकार नहीं है। और ऐसे लोग जने जो वेद पर तर्क करते हैं, ऐसे निकृष्ट जीव एक एक नरक में एक एक कल्प तक वास करते हैं। इसलिए अगर कोई उनका पालन करने वाला है उनके त्याग करने से ही उनका मुक्ति हो सकता है। इसलिए सबके परम कल्याण की बात है। ऐसे ही सबके साथ मूसा मूसा मोहम्मद क्या क्या हो गौतम बुद्ध सबके साथ थोड़ा जो है कि भगवान का कृपा क्या मिला, लगे अपने आप को भगवान है सिद्ध करने, और देखिए नरक में घूम रहे हैं। नहीं बताइए परम पिता परमात्मा जिसका जिसको भगवान शिव जी जपते हैं वे काशी की महिमा कितना बड़ा करके दे रहे हैं, और ऐसे काशी का विरोध तो समझा जाए कामना और कपट के कार्य कलयुग का कुचाल है, इसमें उनका दोष नहीं है सब, लेकिन वह बुद्धि पवित्र नहीं थी। प्रत्येक अब तक तो और आज स्थिति है धरती पर एक व्यक्ति ने जो कि कपट से मुक्त है, अब देखे राम जी भाई मेहनत का तनका है, अब एक कपट छुआ था अभी छू देता, मैं बड़ा मेहनत करा पड़ी छोड़ कपट।
देने चले। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा राम राज्य का महिमा है, काशी यात्रा और काशी की यात्रा कर लिए और थोड़ा सा श्री राम राज्य की महिमा को भी देख लीजिए कि प्रतिदिन प्रतिदिन आनंद अदान दे प्रतिदिन नर इस प्रकार नगर में आनंद का उत्सव प्रत्येक दिन मने हर दिन बढ़ता जा रहा। आपने वो तुरंत दिया कि कुछ ना खबर है रोज के रोज कि भाव समझ में आवाता देखा तन को यहाँ कपट मत करे कि देखा जब ये अवस्था रही तो रोज के रोज आनंदा बढ़ी ने राम सिंह भाई कि भार बात कही नहीं है ठीक है श्री राम राज में आप लोग जिए थे पूरे जा
तेरह दिन भगवान को परम पवित्र प्रेम यानी दृढ़ अनुराग पूर्वक देख अयोध्यापुरी के लोग अत्यंत आनंदित होते हैं। जब देह अनुराग दिखाई तो बिना आनंद मिली और जब वह प्रपंच
मैं श्री रामचंद्र जी के प्रभुता को करता और वे जरूर जी आप मन बुद्धि और चित्त तीनों लगाकर धीर बुद्धि से सुनो मैंने सुने जिसे पुराणों ऋषियों और नारद जी ने भी गाया पुराण भगवान की महिमा है और क्या और श्री रामचंद्र जी की महिमा अति अधिक है जिसका वर्णन करने में कभी की बुद्धि कतरा जाती पर मेरी भी बुद्धि कतरा रही
सुनो, माता पिता और गुरु की आज्ञा मानते और आज ठीक उल्टा हो गया। सुनो, जिसको सीधा सीधा बनना हो वही कार्य करो। लेकिन ये बताओ मेरे बाद में, और तपस्या योग और दान करके और एक समय कहा तपस्या की जगह भोग करी है, जगह जो है गरीबन को लूट करके जो है अपन नाम करी है और दान की जगह छी है। देखो मेरे बात अगर दोनों बात को संक्षेप रह गए तो प्रतिदिन प्रभु तेरे अमान
ब्रह्मांड जी, मतलब एक ब्रह्मांड तो है नहीं, एक पूरा का पूरा अनेकों ब्रह्मांड जो है जो कभी अवतार देते हैं तो अनेकों ब्रह्मांड पवित्र हो जाते हैं। तो सभी लोग आदर के साथ इसके अलावा सभी ग्रंथ और स्मृति सभी प्रभु के गुणों का ध्यान करते, कितना चीज ही ब्रह्मा के अंदर से ध्यान करो तुम देखो बेटा।